Attention guys, click the subscribe button for more videos and press the bell icon for latest updates. Thanks for your attention. Assalamu alaikum, this is Adam Siddiq again and welcome to iTech Sky, another video, another topic. So, kaise aap sab ek new aur fresh video mein apne channel iTech Sky pe aapko welcome kehta hu. Aaj ka topic bahut special hai. Basically, ek company hai Saudi Arabia mein jiska naam Almarai hai, jo ke products create karti hai, just like that milks ho gaye, butter ho gaye, yogurt ho gaye, dahi, doodh wagaira banane ka iska kaam hai. Kaafi khasa acha business jama liya hua hai. Ab basically hua hai kya, isne kuch changes kiye apne products mein. Pehle ye jab apne products ko issue karta tha तो उसमें जो डेट्स होती थी इशू करने की डेट, जिस डेट को ये बन के आ रही है चीज, जस्ट लाइक दैट ये दूध आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये ओल्ड वाला है कि जो जिसमें लिखा हुआ है सीबी, यानी कि जिस डेट को ये दूध बना है और नीचे एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है, और जो नया दूध है उसमें सिर्फ एक्सपायरी डेट लिखी हुई है. तो हम बेसिकली इस वीडियो में इसी चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है जो कि Almarai ने ये सब चीजें चेंजेस लाई अपनी कंपनी में, ये डेट्स इशू करना क्यों छोड़ दी है, और इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि किस तरह हम लोग जान सकते हैं कि दूध हमारा कितना पुराना है, जो Almarai के प्रोडक्ट्स है वो कितने पुराने हो चुके हैं, ताकि हम लोग फ्रेश से फ्रेश चीज ले सके और उसे यूज कर सके. तो चलिए देख लेते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड. सो फाइनली गाइज, अगर Almarai कंपनी की बात की जाए और Almarai ने ये क्यों किया, तो मैं ये कहूँगा कि हमारी वजह से. बेसिकली होता है क्या, जब भी हम कोई चीज़ लेने जाते हैं शॉप पे, तो हमें पीछे से इंस्ट्रक्शन की जाती है कि सादी यार पीछे से चीज़ पकड़ना. पीछे की लॉजिक ये होती है कि जो दुकानदार होते हैं उन्होंने आगे वो चीज़ रखी होती है जिनकी डेट्स कम होती है, और पीछे वाली चीज़ें फ्रेश होती है. अब सादी तो गया, उसने पीछे से चीज़ ले आया और उसने वो यूज़ कर ली, जो आगे चीज़ें पड़ी रह गई जिनकी डेट्स कम थी वो पड़ी पड़ी एक्सपायर हो गई. यहाँ पर लॉजिक ये है कि कंपनी को भी लॉस हुआ और दुकानदार को भी लॉस हुआ. दुकानदार कंपनी से ये चीज ले चुका है और अब ये जो लॉस है वो दुकानदार को भरना पड़ेगा. तो Almarai ने ऐसा इसलिए किया कि बस उसने इशू डेट हटाकर एक्सपायरी डेट शो कर दी कि भाई इतनी देर से पहले इस चीज को खत्म कर देना, यूज कर लेना, वरना तो एक्सपायर हो जाएगी. ठीक है, अब यहां पर Almarai कंपनी को भी फायदा है और यहां पर दुकानदार को भी फायदा है कि उसको दूध की आगे पीछे नहीं हेरा फेरी नहीं करनी पड़ेगी कि कौन सी डेट कब एक्सपायर हो रही है. बात कहने की यह है कि लॉजिकली कंपनी को यहां पर बेनिफिट होगा, दुकानदार को भी बेनिफिट होगा. अब जो कस्टमर है वो यहां पर नर्वस हो जाएगा कि कौन सी डेट को ये इशू डेट क्या है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप दूध लेने जाते हैं, योगर्ट लेने जाते हैं, तो अब आपको पता नहीं चल पाएगा कि कैसे इसको जान सके कि इसकी इशू डेट क्या है. तो बेसिकली अब आपके सामने मैं एक फोटो शो करने लगा हूं जिसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं. पहले तो हम इस फोटो को देख लेते हैं. तो ये Almarai की एक फोटो है जिसको इसने शो किया है कि इसमें लिखा हुआ है कि Almarai के प्रोडक्ट्स में 7 डेज का टाइम होता है. ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं कि 7 डेज का टाइम होता है, 7 डेज का गैप होता है इशू डेट और एक्सपायरी डेट के दरमियान. ठीक है, अगर तो आप सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, अगर तो आप UAE, दुबई वगैरह, ओमान वगैरह में रह रहे हैं, तो उधर 5 दिन की लॉजिक होती है कि 5 डेज का गैप होता है इशू डेट और एक्सपायरी डेट के दरमियान. अब यहां पर लॉजिक यह है कि आप अगर दूध किसी किस्म के भी प्रोडक्ट Almarai का लेने जाते हैं, तो वहां पर लॉजिक आप ये करेंगे कि उधर लिखा होगा कि बिफोर, फॉर एग्जाम्पल बिफोर 7th अगस्त 2019 से पहले आपको इसको यूज करना है. अब यहां पर आप अज्यूम कीजिए, इमेजिन कीजिए और 7 डेज पीछे आ जाइए. ठीक है, तो मैं गया हूं 4th अगस्त को दूध लेने. ठीक है, अब यहां पे मैं इमेजिन किया तो मुझे पता चला कि ये तो लॉजिकली 1 अगस्त को दूध आया है, 1 अगस्त को आया यहाँ या 31 जुलाई को आया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इमेजिन किया. तो इसमें तो बस 2 से 3 दिन रह गए या 4 दिन रह गए होंगे एक्सपायर होने में. ठीक है, 4 अगस्त को मैं गया और 7 को एक्सपायर हो रहे हैं, तो इट्स मीन 3 दिन रह गए इसके एक्सपायर होने में. और ये जो दूध आया है, जो इसकी इशू डेट है, वो 1st अगस्त है. यानी कि जब भी आपने कोई चीज लेनी है तो आपने इमेजिन करना है उसको. ठीक है, तो उसकी डेट जो आज डेट चल रही है और जो उस पर डेट लिखी है उससे इमेजिन कर लीजिए, 7 डेज माइनस कर लीजिए, तो 7 दिन पहले चीज इशू हुई होगी, 7 दिन पहले आई होगी किसी भी चीज को Almarai की. ठीक है, ये Almarai ने खुद ही इस चीज को क्लेरिफाई किया है और आप देख सकते हैं. ठीक है, अगर तो आप सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं तो 7 डेज गैप है, और अगर तो आप दुबई और ओमान में रहते हैं उधर 5 दिन का गैप है. ठीक है, तो इस ट्रिक की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि Almarai की जो चीज है, Almarai के जितने भी प्रोडक्ट है वो कितने पुराने हैं. ठीक है, जो इनमें गैप आ रहा है वो 7 डेज का गैप आ रहा है. तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो.
अगर आपको किसी किस्म के भी कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा और आपकी कंफ्यूजन को दूर करूंगा। मोहब्बत के इजहार के तौर पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये वीडियो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि उन्हें भी इस लॉजिक का पता चल सके। और इन लास्ट में यही कहूंगा, फेसबुक पेज पर लाइक कर दीजिए, टेक्नोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए वेबसाइट पर विजिट कीजिए। और लास्ट में मैं यही कहूंगा, देखते रहिए और देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।